दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूँ उसका एनएवी देखो आप। 255 रुपए का एनएवी चल रहा है। अगर मैं इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँ तो 15% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न मिल रहा है। अब जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको, और पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि एक म्यूचुअल फंड की बहुत बढ़िया खूबसूरती होती है कि यहाँ पर आपको रिटर्न जो होता है वो कंपाउंड होकर के मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर 15% का सीएजीआर जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है, 5 साल में बात करेंगे तो 16% के आसपास का सीएजीआर है, 3 साल में बात करेंगे तो 44.91% का सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आया है। वहीं अगर 1 साल में बात करेंगे तो 26% का रिटर्न, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा कि 1 साल में 26% का रिटर्न, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम जो कि अभी तक मैंने देखा हुआ है 7-7.5% के आसपास ही कंपनियां 2-3 महीने में दे पाती है म्यूचुअल फंड स्पेशली के क्षेत्र में, पर इसने 1 साल के अंदर 26% का सीएजीआर दे करके अपने आप को एक ट्रस्ट के रूप में सामने रखा हुआ है कि नहीं, कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं भले ही नाम एसबीआई हो। ठीक है, तो उससे दिखता है कि ट्रस्ट भी बनते हुए देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टर्स का भी बढ़िया रिस्पॉन्स इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं जो कि 15% का सीएजीआर है तो ये कितने सालों में आया है, तो अगर ये मैं बात करने की चेष्टा करूंगा तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं। अगर मैं वैल्यू रिसर्च की रेटिंग करूंगा जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह होती हैं, तो उसने इनको 5 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है, जो कि दिखता है काफ़ी अच्छा भी है। और दिनेश बालाचंद्रा साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे जो कि आपके पैसे को मैनेज करेंगे आपसे लेकर के, अगर आप एसआईपी दे रहे हैं तो। इसके साथ साथ अगर मैं रिटर्न की बात करूंगा, चाहे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, इवन 10 साल हो, तो वहां पर पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहा है जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो भी फंड्स अगर आपके मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पता लगा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और शेयर घुसा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, चाहे वो इस समय चल रहा है टाटा टेक्नोलॉजी के, कुछ ऐसे ही हालात है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे पर वो म्यूचुअल फंड अभी भी घुसा हुआ है। और अगर मैं रिस्क की बात करूंगा तो म्यूचुअल फंड हो चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, वहां पर आपका रिस्क वेरी आई रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ये सिर्फ सिंपल एक लाइन ही नहीं है, इसके मायने बहुत अधिक है। कृपया कोई भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में वही पैसा अपना लेकर आए जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना बिगड़े। कल को स्टॉक मार्केट में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर आता है, क्योंकि आपका जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर लगता है। तो कृपया सोच समझ के पैसा लेके, आज जिस फंड की मैं बात कर रहा था, देखिए एसबीआई नाम सुनते ही वैसे ही लोगों के अंदर एक ट्रस्ट सा जाग जाता है। और जिस फंड की आज मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये कोई फंड नहीं है, ना ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड है। इस फंड का नाम है वैल्यू ओरिएंटेड फंड की मैं बात कर रहा था। और जो इस वैल्यू ओरिएंटेड फंड में जो एसबीआई ने इसको नाम दिया है, उसका नाम है कॉन्ट्रा। ठीक है, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अच्छा देखिए, मैं हमेशा डायरेक्ट प्लान की बात करता हूँ, कभी भी मैं रेगुलर प्लान की नहीं बात करता हूँ। अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो डेफिनेटली चाहे वो 0.50% का ही डिफरेंस क्यों ना हो, आपको स्विच करके डायरेक्ट प्लान पर आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान है, और आसान क्या है, सिंपल, आपके पास जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट हो ना उससे पूछ लो, वो सब हर चीज़ उससे पूछ लो, वो हर चीज़ आपको बता देगा। ठीक है, 9,719 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.90% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, 2.71% का कैश होल्ड करके चलते हैं। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के रूप में सेलेक्ट किया है। अगर आप 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। चलिए कुछ और चीज़ों की यहाँ से बात कर लेते हैं। अब देखिए, मैं बात करूंगा कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा रहेगा। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूंगा तो फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स और कुछ अदर सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। अगर मैं वहीं बात करूं कि किन किन शेयर्स में आपका पैसा रहेगा, तो देखिए इन्होंने 12% के आसपास का वेटेज दिया है निफ्टी 50 के अंदर, जो कि मैं मानता हूँ कि एक अच्छा स्टेप है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 9.13% का कुछ इन्होंने बॉन्ड्स वगैरह होंगे इनके पास। इसके बाद गेल इंडिया लिमिटेड, ICICI बैंक, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, इसके साथ साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन्फोसिस, इंडियन ऑयल, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, कॉग्निजेंट, SDM, पंजाब नेशनल बैंक, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, टोरंट पावर, हीरो मोटोकॉर्प, भारत पेट्रोलियम, वेंडेंट, CESC, NHPC, यूनाइटेड स्पिरिट, सनोफी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, बॉश, बायोकॉन, लार्सन एंड टूब्रो, सोला विनियार्ड, दरामको सीमेंट, नियोजन केमिकल्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, KPR मिल, आशियाना हाउसिंग हाउसिंग लिमिटेड, एंड प्रिज्म जॉनसन, NMDC, अल्केम लैब, वी गार्ड, ल्यूपिन, दिशा इंडिया, गेटवे रेल फ्रेट और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंगरसोल रेंट। इंगरसोल रेंट अपनी वॉच लिस्ट में डाल के इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करो, बढ़िया फंड है। ठीक है, तो आज मैंने कंप्लीट आपसे बात करी SBI कॉन्ट्रा के बारे में। देखिए, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मेरा मानना है बने रहो, क्योंकि डेफिनेटली आपने SBI के नाम से ही इन्वेस्ट किया होगा।
पर जो अभी तक इन्वेस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स में, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा पहले चार पांच वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स का इनडेप्थ एनालिसिस देख लो। इसके लिए मेरी मल्टीवैगर म्यूचुअल फंड्स पे जाके वहाँ सब म्यूचुअल फंड्स के इनडेप्थ एनालिसिस करो, इसके बाद डिसीजन लेने की चेष्टा करो आप अपने लिए। अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूँगा तो जी हाँ, जैसा कि लोग बोलते हैं ट्रस्ट है तो बनना भी चाहिए ट्रस्ट, क्योंकि भारत के अंदर अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को सभी को लाइन से रखूँ तो उसमें SBI टॉप पर आता है। अगर मैं इसके एसेट मैनेज अंडर मैनेजमेंट की बात करूँ तो 7,43,767 करोड़ का AUM है, 137 स्कीम को SBI मैनेज करके चल रहा है। मेरे मित्रों यहाँ पर एक 2000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट चल रहा है, जो कि केवल आपके एक सब्सक्राइब बटन पे, जो कि राइट हैंड पे बना हुआ है, टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरीके से आपके लिए कल सेम टाइम सेम चैनल बट एक डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।